सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं अलग अलग ज़रूरतों के बारे में कि मैं कौन सी डाइट लूँ, कौन सी ना लूँ, और मैं नाइट ड्यूटी करता हूँ, मैं कौन सी चीज़ लूँ, मैं मॉर्निंग ड्यूटी करता हूँ या करती हूँ, मैं क्या खाऊँ, मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं वर्किंग हूँ, मैं क्या खाऊँ क्या ना खाऊँ, मुझे बीपी है, मुझे शुगर है, मुझे नहीं है, ये है। तो कुल मिला करके अगर मैं सबको डाइट अगर अलग अलग बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आज आपको एक सूत्र देना चाहता हूँ, एक सूत्र। इस एक सूत्र को अगर आपने पकड़ लिया तो सारा खेल आपको समझ में आ जाएगा, सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि कब क्या खाना है, क्या नहीं खाना है और कितना खाना है। यानी अगर हम वध परहेजी भी करने जा रहे हैं तो उसकी क्या लिमिट होनी चाहिए, आप कितनी मात्रा में कोई गलत चीज़ खा सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको अपनी बॉडी के बारे में समझना पड़ेगा। हमारी बॉडी में 80% एल्कलिनिटी है और 20% एसिडिक है बॉडी हमारी। यानी हमारी शरीर 80% खारा है, 20% तेजाबी है। तेजाबी मादा जिसको बोलते हैं, एसिडिक होना शरीर का, वो 20% ही है। अब अगर आप इसी रेशो को ध्यान में रख के खाएंगे, यानी आप एसिडिक चीज़ें जो हमारे को टेस्टी लगती हैं, जो ऐसी होती हैं, वो अगर 20% की रेशो में खाएंगे अपनी लिमिट में, क्योंकि फुल डे की डाइट समझ लीजिए मैं इतना खाता हूँ, तो उसमें अगर उसको आप 20% ही रखते हैं और 80% एल्कलाइन चीज़ें होती हैं, तो आप समझ लीजिए आप बीमार नहीं होंगे, और अगर आप बीमार हैं तो जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे इस चीज़ को फॉलो करके। फिर कोई मायने नहीं रखता कि आप क्या खाना, कितना खाना, भूख लगे तो खाइए और एक समय निश्चित बना के खाइए। बस अपनी भूख को बांध लो कि इस समय, ऐसी रूटीन आदत डाल लो कि उसी समय फिर भूख लगे, तो इसमें फिर डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि एसिडिक फूड कौन कौन से होते हैं, ताकि ये तो दिमाग में एकदम आ ही जाए। फिर उसके बाद एल्कलाइन फूड की बात कर लेंगे, जो खारे फूड होते हैं, क्षारीय, तो उनको, जिनको हमने 80% लेना है, उनकी बात करेंगे। सबसे पहले एसिडिक फूड। एसिडिक फूड ये वो फूड हैं जिनको आपने सिर्फ 20% रखना है अपनी डाइट में, और हो सके तो इससे भी कम रखें, और अगर कभी खाना भी पड़ जाए तो आपको अपनी लिमिट पता होनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहले आता है फ्राइड। फ्राइड यानी तला हुआ खाना, तला किसी भी चीज़ को तलना। पंजाबियों में तो ज़्यादा ये एक समझ लो आदत है कि किसी भी चीज़ को पकड़ना। रोटी पकड़ी तल दी तो परौठी बन गई, आलू पकड़े तल दिए, कोई चीज़ उनके हाथ में आती है तो वो उसको तलना पसंद करते हैं, और तला हुआ खाना नाश्ते में आ जाए तो बहुत खुश होते हैं। तो ये फ्राइड चीज़ें अल्टीमेटली, आप इसको, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आपको मना कोई चीज़ नहीं कर रहा, लेकिन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि इसकी रेशियो बॉडी में 20% होनी चाहिए। अगर आप बीमार हैं उसको और भी कम करें, उसको 5% पे रखें, तो उसकी लिमिट बन जाती है थोड़ी सी। तो एसिडिक फूड में फ्राइड चीज़ें आ गई। दूसरे नंबर पे एसिडिक चीज़ में आ गई आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स। उसमें कोल्ड ड्रिंक आ गई, सॉफ्ट ड्रिंक्स आ गई, ये जो पीते हैं आप खाने के साथ साथ कहीं पीना शुरू कर देते हैं, तो ये चीज़, हालांकि ये सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं, आपको पता है, जो बिल्कुल छोड़ सकते हैं, तो कुछ चीज़ें तो 10 आइटम में से कुछ बिल्कुल ही छोड़ दो तो एटलीस्ट आप बच जाएंगे बीमारियों से। तो ये सॉफ्ट ड्रिंक हो गई। तीसरे नंबर पर आ गई आर्टिफिशियल या फिर जो ड्राई की हुई शुगर्स हैं, चाहे फिर वो चीनी होती है, चाहे फिर वो आप कह सकते हैं उसको जो आप मिठाई खाते हैं या मीठी गोली खाते हैं, कोई चीज़ें ऐसी मीठी घर में खीर बनाते हैं या कुछ भी मीठे की चीज़ें हैं, हालांकि इसमें हम गुड़ और जो दूसरे शहद हैं इसको नेचुरल स्वीटनर तो गिनती हैं, लेकिन मीठा तो मीठा है, आप नेचुरल भी उसको गिन लीजिए, मान लीजिए, लेकिन फिर भी मीठे की कुल मिला के लिमिट होनी चाहिए 20% के आसपास। फिर इसके अलावा चौथे नंबर पर हम लेते हैं कुकीज़। कुकीज़ या बेक्ड की हुई चीज़ें, बेक्ड की हुई चीज़ें जिसको आप कह सकते हैं कि जो बाजार में बेकरी पे मिलती हैं, भुजिया और बेक्ड किया हुआ ब्रेड, बर्गर, ये वो सब बेकिंग वाला सामान। कुकीज़ ज़्यादा लोग पसंद करते हैं कि भूख लगी एक बिस्किट खा लिया। मैं कई ऐसी महिलाओं को जानता हूँ, ऑफिस में काम करती हैं, स्कूल में पढ़ाती हैं, वो लंच का टाइम हो गया है, लंच लेकर नहीं जाएंगी, सुबह लेट हो गई, या बच्चे कुछ ऐसे होते हैं पढ़ रहे हैं, बस कुकीज़ खा के गुजारा करते हैं। तो ये एक तरह से चौथे नंबर पे थी ये एसिडिक। आगे चल करके आप चाहे कितनी भी मल्टीग्रेन कुकी क्यों ना खा रहे हो, लेकिन वो आगे चल करके एसिड फॉर्मेशन तो करती ही है बॉडी में। फिर एसिड फॉर्मेशन ज़्यादा होती तो फिर उससे इनडाइजेशन, उनसे फिर स्किन प्रॉब्लम्स, उनसे आगे जा करके जितने कफ के आप इरिटेशन और ये एलर्जीज देख रहे हैं आजकल, या फिर आप साइनस देख रहे हैं, ये सारे फिर आगे जा करके यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, ये सब एसिडिक चीज़ों से ही होते हैं। यानी मतलब
बीमारी एसिडिक चीज़ों से ही आती है। और मैंने पांचवें नंबर पर लिख के रखा है जो है वो है सॉसेस। सॉसेस मतलब चटनियाँ, चटनियाँ जिसको आप कह सकते हैं, जो लोग बड़े चाव से लगा लगा के खाते हैं, टमाटो चटनी, इमली की चटनी, और हालांकि नारियल चटनी हल्की सी अल्कलाइन है, बट फिर भी वो भी अगर एक लिमिट क्रॉस करेगी, रेगुलर अगर आपकी डाइट में आ गई, तो फिर वो आपको वो भी एक हद से ज़्यादा जब बढ़ेगी तो फिर वो एसिडिक में कन्वर्ट होगी। तो एक लिमिट, इसमें अचार भी आते हैं, अचार में बहुत ज़्यादा नमक होता है, बहुत ज़्यादा तेल होता है, और वो जब आप खाते हैं और उसकी एक लिमिट बना के कभी ले लिया, थोड़ा जब भूख नहीं लग रही, खाना अंदर नहीं जा रहा, आपको लग रहा है कि इसमें कुछ ऐड करूँ तो ले लिया, लेकिन वो लिमिट बहुत थोड़ी होनी चाहिए। आप खुद ही समझ जाएंगे कुछ दिन बाद, आपका मन ठहर जाएगा जब आप इसको ध्यान में रख लेंगे कि ये अल्टीमेटली अगर 20% से ज़्यादा जाती है तो मैं बीमार होता हूँ किसी ना किसी तरीके से। तो ये थी सॉसेस। छठे नंबर पर हम ले लेते हैं नॉन वेज, जिसको मांसाहार बोलते हैं। हालांकि ये बिल्कुल नहीं खाना चाहिए मेरी नज़र में तो, लेकिन मैं किसी के ऊपर पाबंदी लगाने वाला भी कौन होता हूँ, आप अपने विवेक से सोचिए। मैं तो सिर्फ हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकता हूँ कि किसी का जीवन अगर जाए और मेरा पेट भरता हो उससे, तो मुझे अपने पेट को भरने के लिए इतनी बड़ी किसी से बलि नहीं लेनी है, ये आपके मन में होना चाहिए, क्योंकि मुझे भी इस दुनिया में खुशी से जीना है। तो ये एक नॉन वेज एसिडिक फूड में आता है। सातवें नंबर पे आती है अल्कोहल या ऐसी कुछ मादक द्रव्य जिसको आप कह सकते हैं, ड्रिंक करने की आदत कह सकते हैं। हालांकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि कुछ लोग तो हैं वो इन चीज़ों को छोड़ते नहीं हैं और इनको बहुत लिमिट करें, लेकिन कुछ लोग अगर छोड़ सकते हैं तो ये चीज़ों को छोड़ ही दें। आप अच्छी चीज़ में जाएंगे तो आपको बहुत सुकून भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी, मेंटल जो पीस है, जो शांत मानसिक शांति है, वो जितना आप एल्कलाइन फूड में रहेंगे आप ज़्यादा अच्छा फील करेंगे। और इसका बैलेंस बना के चलिए, टेस्ट के लिए थोड़ा थोड़ा लेते रहिए। मैं अल्कोहल की बात नहीं कर रहा, मैं एसिडिक बाकी चीज़ों की बात कर रहा हूँ। तो एल्कोहल को इसमें हम एसिडिक फूड मानते हैं। इसके अलावा फिर लीवर भी खराब होता है इससे। आठवें नंबर पर है चाय और कॉफ़ी। चाय कॉफ़ी आपको पता है वैसे भी ये जो लोग तो एक आधा कप कभी पी लेते हैं तो गुजारा चल जाता है ज़िंदगी का, लेकिन कई लोगों ने हद कर दी होती है, 10 10 कप, 8 8 कप, बस जो भी जब भी मन किया, जब भी किसी के साथ बैठे उठे चाय चाय चाय, तो वो फिर अल्टीमेटली अपना शरीर पूरा ठप करके ख़राब करके आते हैं कि लो जी अब हमने पूरा शरीर ख़राब कर लिया, अब आप इसके लिए कुछ कर सकते हो तो बता दो। तो ये है एक चाय 8वें नंबर पर। 9वें नंबर पर मैंने जो लिखी है वो है फास्ट फूड। फास्ट फूड में आप पिज्ज़ा, बर्गर्स और तरह तरह की चीज़ें, मेरे को तो कईयों के नाम भी नहीं आते हैं, तो ये सारे उसमें आ गए, उसमें मोमोज और ऐसी चीज़ें। फिर 10वें नंबर पर है बासी खाना, स्टेल फूड। बासी खाना जैसे आपने बना के रखा बहुत खास तरह की पोहा या कोई एल्कलाइन चीज़ या बड़ा अच्छा सूप जो आपको पता है बड़ा फ्रेश वेजिटेबल से बना है, लेकिन आप ठंडा हो गया, आप उसको गर्म करके खा रहे हैं, कभी कभार के लिए ये भी छूट है, लेकिन कभी वेस्टेज हो रही है, आपको बहुत बर्दाश्त से बाहर है या कुछ ऐसा करना है, लेकिन इसको रेगुलर जो लेती हैं महिलाएं ज़्यादातर घरों में बचा खाना निकाल के सारा गर्म कर करके बार बार, तो ये एक तरह से एसिडिक फूड में आ जाता है, फिर ये बीमारी लाता है तरह तरह के, उनको फिर हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, स्ट्रेस, और फिर उसके बाद पीरियड्स बिगड़ना और वेट बढ़ना, ये सब। तो ये 10 चीज़ें एसिडिक हैं, ये लाइफ में 20% की रेशियो में चलनी चाहिए, यानी 20% से ज़्यादा नहीं। तो एक चीज़ और बता दूँ, कई लोग स्टेल फूड का मतलब समझ लेते हैं कि आप टिफ़िन करके ऑफिस लेके गए हैं तो वो स्टेल फूड हो गया। अगर आपने उसका टेम्परेचर मेंटेन रखा है, उसको आप गर्म कपड़े में लपेट करके उसके बाद थोड़ा डिब्बे में लपेट कर लेके गए हैं, तो अगर वो आपके खाने तक थोड़ा गुनगुना रहता है तो आप 2 4 घंटे तक इस तरह मैनेज कर सकते हैं, उसको हम स्टेल फूड की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, क्योंकि आपने उसका टेम्परेचर एक बार गिरने ही नहीं दिया, उसको उसी टेम्परेचर पर जब बनाया उसी पर रखा आपने। आपने देखा होगा हलवाई कुछ ऐसे होते हैं समझदार, या पुरानी एक परंपरा कह लो, उनकी कला कह लो, कि जब वो कोई चीज़ बनाते हैं गुलाब जामुन या ऐसा कुछ, तो बनाने के बाद ठंडा नहीं होने देते, उसके नीचे भट्टी रख देते हैं कि एक बार ये स्टेल हो गया, ठंडा हो गया, फिर इसको गर्म करेंगे तो ये स्टेल फूड में आ जाएगा, फिर ये इतना स्वाद भी नहीं रहेगा और इसमें न्यूट्रिशन भी नहीं, वो चीज़ भी नहीं, तो उसका टेम्परेचर वो एकदम मेंटेन करके रखते हैं। तो आप भी अपने साथ अगर टिफ़िन लेके जाते हैं तो आप उसको मेंटेन करके इस तरह से गुजारा चला सकते हैं। हालांकि उससे बाहर भी आइए, कभी कभी मौका लगे तो फ्रेश चीज़ को तुरंत पकड़िए, क्योंकि वो आपको अधिक से अधिक डालनी है। तो ये बात हो गई 10 चीज़ें। अब हम बात करेंगे जो हैं
एल्कलाइन, खारे, खारी, क्षारीय। तो इसमें कौन कौन सी चीजें हैं? इसमें सबसे पहले नंबर पर मैंने रखी है फ्रेश फ्रूट्स, यानी ये मौका कभी ना गवाइए। अगर आपको थोड़े पैसे भी अपने लाइफ में बचाइए, और अगर आप कम भी कमाते हैं तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा फ्रूट ही सही। चाहे हफ्ते में एक दो दिन ही आप कोई चीज़ लाते हैं तो थोड़ा 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 करके खाते रहें उसको, तो फ्रूट ज़रूरी है। तो फ्रूट एल्कलाइन फूड में आ गया। इसमें भी आप बहुत ज़्यादा चाट मसाला और बहुत ज़्यादा उसको नमक भर भर के ना लीजिए। किसी को अगर नमक की क्रेविंग होती है तो उस पर हल्का सा सेंधा नमक डाल सकते हैं, थोड़ा नींबू डाल सकते हैं, हनी भी डाल सकते हैं, शहद भी डाल सकते हैं, तो वो एक तरह से आपका एल्कलाइन फूड में आ गया। दूसरे नंबर पर है स्प्राउट्स। स्प्राउट्स होता है जिसको हम अंकुरित अनाज कहते हैं। अंकुरित अनाज को लोग भूल ही चुके हैं। दरअसल ये एक मिरेकुलस चीज़ है, ये आप अगर लेना शुरू करेंगे तो ही पाएंगे कि 1 लाख रुपए का एक अगर कोई इंजेक्शन होगा ताकत का, या इतना कोर्स होगा कोई इंजेक्शंस का, तो एक तरफ ये स्प्राउट्स आप डेली ना सही, हफ्ते में 2 बार ही सही, उसका एक बैलेंस बनाइए, उसको कभी रूटीन में लाइए, तो आपको ये एक तरह से हेल्प करेगी आपकी लाइफ में। एल्कलाइन फूड जितना आएगा अच्छा होगा। तीसरे नंबर पर हम लेंगे उसमें वेजिटेबल्स, चाहे वो पत्तेदार सब्जियां हों या दूसरी हों या कैसी भी हों, तो फ्रेश वेजिटेबल्स या सब्जियां बना करके कुकड की हुई। इवन आप सब्जियों को थोड़ा सॉटे भी अगर करते हैं अच्छे तेल में, किसी तिल के तेल में, कभी नारियल के तेल में, कभी सोयाबीन के तेल में, कभी उसको सरसों के तेल में, मूंगफली के तेल में, बदल बदल करके 10 10 दिन तेल बदलते रहो, तो ये सॉटे करना कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसको डीप फ्राई करते हैं किसी भी सब्जी को, तो फिर वो एल्कलाइन कैटेगरी से बाहर आ जाएगी, वो एसिडिक हो जाएगी। तो फिर इसके बाद हम लेते हैं मिल्क, गाय का, बकरी का दूध। हालांकि भैंस का दूध ज़्यादा फैटी होने की वजह से कहीं कभी कभी एसिडिक की कैटेगरी में चला जाता है, कईयों को दिक्कत भी करता है, एसिड भी करता है, लेकिन गाय का और बकरी का दूध कभी ऐसा नहीं करता है। तो आप फ्रेश दूध लीजिएगा, वो भी बार 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 गर्म करते हैं कई लोग, तो वो कोशिश करिए आप अगर मौसम अच्छा है तो दूध बाहर रखिए। एक फ्रिज बन गया है और उसको आपने स्टोर बना लिया, बस हर चीज़ उसमें रखनी है, ये आदत थोड़ा बदलिए, क्योंकि फ्रिज की चीज़ें भी अल्टीमेटली एसिडिक हो जाती हैं एक समय के बाद। चाहे आपने लौकी बना के फ्रेश रखी हो तो आप थोड़ी देर बाद अगर उसको निकाल के आप खाते हैं, चाहे गर्म करें या ना करें, वो एसिडिक फूड में आएगा। तो मैं आपको 5वें नंबर पर बताना चाहता हूँ, वो है एलोवेरा। एलोवेरा जो है क्वाल गंधल, घी कुवार, ग्वार पाठा जिसको आप बोलते हैं, बड़ा मशहूर है आजकल, किसी को बताने की जरूरत नहीं। तो ये भी अगर थोड़ा थोड़ा आप 1 2 चम्मच 4 चम्मच तक अपने रूटीन में सुबह लेते हैं तो ये भी एल्कलाइन फूड में आता है। अब 6ठे नंबर पर है वीट ग्रास। वीट ग्रास गेहूं के ज्वारे को बोलते हैं, जौ का ज्वारा भी इसकी जगह चल सकता है। तो कुल मिला के ये भी एल्कलाइन है, और कभी वीट ग्रास ले लिया, कभी एलोवेरा ले लिया, तो कुछ दिन वो कुछ दिन वो, ऐसे भी चल सकता है। और फिर उसके बाद आता है 7वें नंबर पर नेचुरल शुगर्स। नेचुरल शुगर्स में हम, नेचुरल शुगर्स की मैं बात कर रहा था, चाहे वो शहद है, गुड़ है, या फिर नेचुरल फ्रूट्स जिनमें मीठा है, नेचुरल, तो वो नेचुरल चीज़ें जिसमें मिठास है, तो वो नेचुरल शुगर में एक एल्कलाइन चीज़ में आ गया। इसमें आप 8वें नंबर पर हम लेते हैं मल्टीग्रेन रोटियां, या मल्टीग्रेन आटा, मल्टीग्रेन चीज़ें, दलिया, तो मल्टीग्रेन्स जो होते हैं ये भी एल्कलाइन है अगर आप इसको अच्छे से कुकड करके खाते हैं। तो 9वें नंबर पर है गाय का घी। गाय के घी के बारे में अगर मैं बोलूँ तो फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन उसकी फिर भी अधूरी रह जाएंगी चीज़ें, क्योंकि गाय का घी अगर आपको मिलता है तो आपको फटाफट से अपने घर ले आना है, और वो ज़रूरी है चीज़, अपनी दाल में, सब्जी में डाल के आप लीजिए, वो आपको बहुत मदद करेगी, आपकी एजिंग भी रुकेगी उससे, और वो एक तरह से आपको अंदर वायु रोग नहीं होने देती। अल्टीमेटली वो अपने शरीर का वो अंदर से वो एक शील्ड, एक ख्याल रखती है। तो गाय के घी के बाद 10वें नंबर पर है नट्स। नट्स में आप ड्राई फ्रूट कह सकते हैं, उसमें बादाम आ गया, उसमें किशमिश आ गई भीगी हुई, अंजीर आ गई, अखरोट आ गया, लेकिन इसको आप ये ना सोचें कि ये आप बहुत ज़्यादा भर भर के खाएंगे तो एल्कलाइन हो जाएगी हमारी बॉडी। ये कुदरत की बनाई सबसे कीमती चीज़ें हैं, और कीमती चीज़ का ख्याल हम बड़ा अच्छे से रखते हैं, केयर से, और उसको हम यूटिलाइज भी आराम से करते हैं थोड़ा थोड़ा। तो आप इन चीज़ों को अगर लेते हैं तो बहुत लिमिट में लीजिए। 10 बादाम लेने वाला व्यक्ति 5 ले ले, 5 वाला 4 लेने शुरू कर दे, यानी वो लिमिट में होंगी चीज़ें तो उसका असर बॉडी को मिल पाएगा।
अगर एक्सेस में जाएंगी तो वो बेकार चली जाती है, बॉडी से निकल जाती है। तो ये कुल मिला के 10-10 चीज़ें मैंने बता दी एसिडिक और एल्कलाइन में। आप अपने समझ को यूज करके इस हिसाब से अपनी डाइट बनाओ, उस हिसाब से आप चलो लाइफ में। तजुर्बे भी बड़े होते हैं, रात को कुछ चीज़ें हमारे आयुर्वेद में लिखा हुआ है रात को ना खाओ, तो उस हिसाब से रात को ना खाओ। बेशक आप नाइट ड्यूटी करने वाले हो फिर क्या हुआ, लेकिन कुछ चीज़ें नाइट में खाना अलाउड है। अब रोटी आप नाइट में खा रहे हो, खा अपना खाना खा के जा रहे हो अपने काम पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप रात को अगर जाग रहे हो अपना काम कर रहे हो नाइट ड्यूटी में, तो आप कितना ये क्या कर सकते हो, आप खजूर वाला दूध पी सकते हो उबाल के, अगर कोई वहाँ पॉसिबिलिटी है, नहीं तो बना के उसको गर्म बॉटल में ले जाओ खजूर वाला दूध। और रात में खाने वाली चीज़ें बहुत हैं, आप अपने साथ एप्पल लेके जा सकते हो, फ्रूट ले लिया। रात के समय कुक्ड फूड होता है ना, जो जैसे सूप हो गया, या आपका बहुत हैवी वर्क है रात के समय तो आप वहाँ रोटी भी खा सकते हैं, लेकिन उसमें फिर स्पाइसेस ज़्यादा करने पड़ेंगे, ऑयल्स घटाने पड़ेंगे। रात का खाना आपको पता है सूर्य की रोशनी की गैरहाजिरी में तभी पच पाएगा जब उसमें स्पाइसेस थोड़े अच्छे, मतलब ये नहीं कि मैं आपको गर्म मसाले डालने को बोल रहा हूँ, मतलब उसमें थोड़ा लौंग और ये सब चीज़ें होनी चाहिए, तेज पत्र वगैरह, जिससे कि वो फूड आपको ईजीली डाइजेस्ट हो जाए, आपको उसके बाद डकार आ जाए। और ये थी जानकारी आपको पूरी, मैं अपनी तरफ से मेरे दिल में थी कि मैं आपको दूं कि आपको समझ आ जाए एटलीस्ट कि हमारी लाइफ में बद परहेजी जो होती है वो कितने लेवल तक होनी चाहिए। अगर वो क्रॉस करती है एक लिमिट, कईयों की डेली आउटिंग होती है, डेली कुछ खाना जाना आना, फिर उसमें वो ध्यान भी नहीं देते, घर में भी एक एक किलो टमाटो सॉस आ रही है और वो सब खा रहे हैं, और ऐसे करते करते वो उनकी लाइफ ऐसे हो जाती है कि धीरे धीरे उनकी बॉडी का वो जो अंदर की दिक्कतें हैं वो शुरू होने हो लग जाती हैं। तो उनको लगता है हम तो कुछ गलत खाते ही नहीं। तो अगर आप रोटियां भी हर टाइम सुबह दोपहर रोटी 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 खाते हो, तो ये भी एक तरह से एक अनाज जो बार बार खाना है, गेहूँ 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 या चावल चावल चावल, ये भी बाद में एसिडिक मादा तैयार करता है अंदर। तो आप इन चीज़ों को ना करके बदल बदल के फूड लें, किसी दिन पोहा सुबह बनाएं, किसी दिन आप बेसन का चिल्ला बनाएं, किसी दिन आप मूढ़ी बनाएं, किसी दिन आप हैवी ले लें, उसमें आप मिसी रोटी ले लें दही के साथ, किसी दिन आप उसमें फिर फ्राइड भी ले सकते हैं, तो वो मॉर्निंग में होगा और वो आपके समझ में, आप मेरे समझ में कि वो आप लिमिट में आ गया। वो भी अगर आप आपकी आदतों में रोटी ही ज़्यादा है तो आप बार बार आलू की पराठी मूली की पराठी ये करेंगे, तो फिर वो अल्टीमेटली आप दुखी खुद होंगे। तो ये था आज का सारा एक ऊपर से मैंने आपको एक ओवरव्यू करवाया डाइट होती क्या है और कितनी क्या खानी चाहिए, इसको आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट परेशानी दिक्कत आपको रह गई है तो नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए, आपके कमेंट्स पढ़ के ही मुझे पता चलता है कि आपको क्या पता चल गया है, क्या आपने नया सीखा, क्या आपको अब और आगे सीखना है, या आप क्या मुझसे पूछना चाहते हैं। सीखना तो क्या है, हम एक दूसरे को शेयर ही करते हैं, तो अगर आपको भी इसके अलावा कुछ अपने एडिशन करनी है इस वीडियो में तो नीचे मुझे बताइएगा, मैं आप बहुत खुशी से उसको पढ़ूंगा। आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।